मोहब्बत को देखते हुए हम लोग ने एक ऐसा फ्रिक्शन बनाया है, जैसे ही ब्रेकर पे गाड़ी चलेगी यहाँ पे तुरंत लाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ जिसको कि हम लोग स्टोर करके गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं या फिर खुद का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्पीड ब्रेकर पे जब गाड़ियाँ आएगी तो एक फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। हाँ, घर्षण के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा जो कि हम लोग बैटरी में स्टोर करके गवर्नमेंट को या फिर खुद को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका। तो देखिए आप यहाँ पे हम लोग इसमें कोडिंग करके डाले हुए हैं कुछ, आपको 50 सेंटीमीटर के, देखिए आप थोड़ा सा आइए सुन सर, वर्क किया ना, आप थोड़ा सा दूर जाइए, बंद हो गया। इससे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, इसको कहीं भी हम लोग ला सकते हैं पब्लिक प्लेस पे। जैसे ही बारिश होगी वो इंडिकेट, और यहाँ पे लाइट भी ऑन हो जाएगा, पता चलेगा कि बारिश हो रही है और हम अपना सामान हटा सकते हैं। देखिए बिहार कौशल मिशन के तहत तमाम जो छात्र हैं उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को दर्शाया है, और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा यहाँ पहुँचे और तमाम जो छात्र हैं उनके बीच में उनका उत्साहवर्धन भी किया है। देखिए हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम स्मार्ट बनने की बात करते हैं, और क्योंकि हम लोग हाईटेक हो चुके हैं तो हाईटेक और जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बाखूबी देखिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अगर समझना चाहिए, देखना चाहिए, तो ये देखिए ये जो तमाम प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन किस तरीके से डेवलप कर रहा है उसकी एक झांकी है। क्या है ये सर? हम लोग इसमें तीन प्रोजेक्ट बनाए हैं सर। पहला हम लोग का है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक जनरेटर ड्यू टू फ्रिक्शन बाय द रोड ब्रेकर। इसमें हम लोग कहीं कहीं मतलब इंडिया में बढ़ते हुए गाड़ी को देखते हुए या फिर बिजली की खपत को देखते हुए हम लोग ने एक ऐसा फ्रिक्शन बनाया है, जैसे ही ब्रेकर पे गाड़ी चलेगी यहाँ पे तुरंत लाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ जिसको कि हम लोग स्टोर करके गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं या फिर खुद का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्पीड ब्रेकर पे जब गाड़ियाँ आएगी तो एक फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। हाँ, घर्षण के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा जो कि हम लोग बैटरी में स्टोर करके गवर्नमेंट को या फिर खुद को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका, स्टोर करके कहीं भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट को दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी को भी दे सकते हैं। हम लोग का दूसरा प्रोजेक्ट है एक्सीडेंट प्रिवेंशन रोड सेफ्टी मोटर। इसमें हम लोग का कहीं भी पहाड़ी इलाका में अगर आप जाते हैं तो सिंगल लेन रोड मिलता है जिसके कारण एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होता है या फिर जाम लगने का। जैसे इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि जैसे ही हम लोग एक साइड से गाड़ी गुजरेगी दूसरे साइड से सेंसर ऑटोमेटिक वर्क करेगा। देखिए कर रहा है ना, तो इधर वाला आदमी सतर्क हो जाएगा इसलिए साइड होकर रुक जाएगा। तो सेम टू सेम जस्ट लाइक इधर वाला भी जैसे इधर होगा इधर सेंसर वर्क करेगा तो इधर भी पता चलेगा तो ऑटोमेटिक आदमी रुक जाएगा। अगर मैं भी गलती से कभी एक्सीडेंट हो गया तो हम लोगों ने साइड से एक ऐसा सेंसर लगाया हुआ है कि नीचे वाला आदमी हल्का सा थोड़ा सा भी इंडिकेट करते हैं तो हम लोग उसका रेस्क्यू कर सकते हैं सेंसर की मदद से, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि सेंसर लगाया हुआ है। अच्छा, अगर सपोज दैट कि एक खाई के बीचों बीच ये बना है और अगर गाड़ी खाई में गिरती है तो पता चल जाता है क्योंकि सेंसर लगा है, चारों तरफ सेंसर हम लोग ला सकते हैं। इसको हम लोग बड़े पैमाने पे यूज कर सकते हैं, इससे गवर्नमेंट को भी हम लोग को भी काफ़ी फायदा हो सकता है। और हम लोग का इसमें कॉस्टली बहुत छोटा सा रकम लगा हुआ, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। हम लोग का तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस, जिससे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस को मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर सकते हैं। कैसे? और तो देखिए आप यहाँ पे हम लोग इसमें कोडिंग करके डाले हुए हैं कुछ, आपको 50 सेंटीमीटर के, देखिए आप थोड़ा सा आइए सुन सर, वर्क किया ना, आप थोड़ा सा दूर जाइए, बंद हो गया। इससे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, इसको कहीं भी हम लोग ला सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, हॉस्पिटल, कोविड को देखते हैं, कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, आपने ये तमाम चीज़ें तैयार की हैं, एस्टिमेट क्या आएगा इसको लेकर के आप लोगों ने लेखा जोखा किया है कि इस चीज़ को तैयार करने के लिए धरातल पर उतारने के लिए कितना खर्च आ सकता है, इसका अंदाज़ा आप लोगों को है? बहुत छोटे अमाउंट में खर्चा आएगा, लेकिन हम लोग कभी नहीं आ सके नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, उसमें हम लोग मेंटेन करके कुछ कर सकते हैं। इसको तो हम लोग सोचे हैं कि हर जगह टोल टैक्स पे कहीं भी इसको लगा देंगे तो उससे हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट हर जगह उसको सप्लाई कर सकता है, कहीं भी उसका यूज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं अब अगर दूसरे छोर अगर आपको आए तो यहाँ पर एक जगमगाता हुआ घर दिखाई दे रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और कैसे कार्य करता है। सर ये बर्गर अलार्म सिस्टम है। अच्छा। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी चोर तड़पने की कोशिश करेगा, बाउंड्री तड़पने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर इसका पतला वायर बिछा हुआ है। अच्छा। पतला वायर जैसे ही टूटेगा उसके हाथ से या पैर से टच करके तड़पने की कोशिश करे टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा सर वैसे ही अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसको हम काट के दिखा दें, जैसे ही कटेगा वैसे ही अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, पूरे घर में अलार्म बजना चालू हो। हाँ, पूरे घर में अलार्म बजना चालू हो जाएगा और जिसमें गार्जियन बैठे हुए हैं वो अलर्ट मोड में आ जाएंगे। और इसका उपयोग हम खेत में भी कर सकते हैं। खेत के तरफ बाउंड्री में वायर लपेट देंगे
जैसे ही पशु चाहे जानवर कुछ जाएगा फसल के खाने मतलब चरने के लिए, तो उसको जैसे ही टूटेगा वैसे ही अलार्म किसान जाग जाएगा, अलर्ट मोड में आ जाएगा। और एक यानी सेफ्टी पर्पस के लिए एक मेरा स्ट्रीट लाइट है जो ऑटोमेटिक अंधेरा होते ही जल जाएगा और जैसे ही दिन होगा वो बुझ जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप लोग कहाँ से हैं? पालीगंज, आईटीआई पालीगंज। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। कितने की टीम आप लोग हैं? हम लोग 5 टीम हैं। 5 लोगों की टीम, हाँ, जो इसे तैयार किया। हाँ, दूसरी तरफ आइए, ये भी बहुत हाईटेक घर लग रहा है, ये कैसे कार्य करता है और क्या इसकी खासियत क्या है? देखिए, बढ़ती हुई महंगाई और क्राइम को देखते हुए हमारी टीम ने एक ऐसा हाउस तैयार किया है जो पूरी तरह से सेफ है। जैसे में हमारा ये डोर अलार्म है, जैसे ही मेरे गेट को कोई ओपन करते हैं अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, ताकि हमको अंदर हम किसी घर में किसी हिस्से में काम कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाता है कि कोई मेरे गेट से एंट्री किया है। ये बाहरी अलार्म बजेगा या अंदर भी बजेगा? घर के अंदर अलार्म बजेगा। फिर मेरे पास कैंपस अलार्म है, जैसे ही मेरे कैंपस से कोई एंट्री करना चाहता है वैसे ही अलार्म बजना स्टार्ट कर, जैसे ही टच करेगा वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। मतलब पता चल गया कि वो कैंपस से कोई आया है मेरे यहाँ। फिर मेरे यहाँ ऑटोमेटिक कैंपस लाइट है, जैसे ही शाम होगी वैसे ही लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और दिन होते ही वो लाइट ऑफ हो जाएगी। फिर मेरे पास फायर अलार्म है, देखा जाता है कि किचन में आग लग जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, लीकेज होती है, उसके कारण हम लोग किचन के पास ये लगाएंगे सेंसर को, जैसे ही टेम्परेचर 90 डिग्री 100 डिग्री जैसे ही होगा वो अलार्म इंडिकेट करने लगेगा कि मेरे घर में आग लगी यानी किचन में आग लगी है, जिससे हम अलर्ट हो जाएंगे, अपना सब सुविधा कर लेंगे। ये इस चीज़ों को तैयार करने के लिए आप लोगों को किस किस चीज़ों का सहारा लेना पड़ा? सेंसर, अलार्म, वायर, बस मेन मेरे पास यही है टूल्स। और फिर ये वाटर टैंक और ये क्या? हाँ, रेन डिटेक्टर है। मतलब छत पे हम अचानक मौसम ख़राब हो जाती है और छत पे ऐसे कोई सामान रहते हैं जो थोड़ा भी मौसम ख़राब होने पर बिगड़ सकती है बारिश होने के कारण, जिसके लिए हम लोग ये सेंसर का उपयोग किए हैं। जैसे ही बारिश होगी वो इंडिकेट, और यहाँ पर लाइट भी ऑन हो जाएगा, पता चलेगा कि बारिश हो रही है और हम अपना सामान हटा सकते हैं। फिर ये मेरे पास वाटर ओवरफ्लो है, जैसे ही पानी टंकी में पूरा भरेगी वैसे ही मेरे पास वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर वेस्ट नहीं होगा। वाटर वेस्ट नहीं है, देख रहे हैं पानी का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे आने वाले फ्यूचर में समस्या तो होने वाली है पानी, इसको बचाने के लिए हम लोग ने ऐसा उपाय किया है। अच्छा, कितने लोगों की टीम है? ये 4 लोगों की है। कहाँ से हैं? आईटीआई पालीगंज। आईटीआई पालीगंज। तो ये तमाम जो छात्र हैं वो आज अपने कौशल, अपने प्रतिभा को उन्होंने दर्शाया है यहाँ, और आप बाखूबी भी देख सकते हैं किस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई हैं। तमाम छात्र छात्राएँ जो हैं वो अपने कौशल का, अपने स्किल का प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं। देखिए, आपने पहले भी बताया है आपको कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम स्मार्ट बन रहे हैं, हम हाईटेक हो रहे हैं, तो हाईटेक होने के साथ साथ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं हम तकनीक का सहारा भी ले रहे हैं। अब ये जो रोड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है, और स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है। कैसे ये वर्क करता है, क्या इसकी खासियत है? ये स्ट्रीट लाइट है जो LDR सेंसर पे कार्य कर रहा है ये, और ये जो है जो दिन में जो लाइट जलता है ना तो उसको बंद कर देता है ये। अच्छा। और रात में जलने लगता है ऑटोमेटिक। देख सकते हैं इसको आप, पावर कंट्रोल है, पावर कंट्रोल है। एक बार में इस हम 200 स्ट्रीट लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं एक ही जगह से। अच्छा। इससे क्या होती है कि जो भी दिन में स्ट्रीट लाइट जलते हुए रह जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक लॉसेज होती है, यानी इलेक्ट्रिक लॉसेज को इससे बचाया जा सकता है। अच्छा। और इसे आसानी से अगर दिन में भी कभी अंधेरा हो तो ऑटोमेटिक ये वर्क करेगा। जैसे में यहाँ पे अंधेरा आएगी तो ये लाइट जल गया, यहाँ पे अंधेरा, जैसे ही दिन इसको मिला तो ये गेस कर लेता है। LDR सेंसर है, ये लाइट पे डिपेंडेबल होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसका नाम है। तो इससे यही है कि इलेक्ट्रिक लॉसेज को बचा सकते हैं, आसानी से दिन में भी इसको ऑन ऑफ मतलब हो सकता है बिना किसी स्टाफ के। तो इन लोगों की टीम है आप? तीन लोगों की टीम है। एनवायरमेंट के लिए लगाया गया है, जैसे ऑक्सीजन लेवल सही है लगा दिए हैं। जो भी व्हीकल्स चलती है रोड पे तो व्हीकल्स जनरली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, तो रिलीज करती हैं तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रदूषण पे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नसरुद्दीन अली है, हम हतुआ ITI गोपालगंज से आए हैं। तो आपने देखा तमाम छात्र छात्राओं का कौशल, हुनर, स्किल। खैर, लाइफ स्टाइल के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।